नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया 47 हिंदी की बात हिंदी में और मैं हूं आपके साथ सागर जैन आमोल। दोस्तों, आजादी के बाद शायद ऐसा कभी हुआ होगा कि ट्रेनों को पूरी तरह बंद करना पड़ा हो, पर हालांकि कोरोना के चलते लॉकडाउन में ट्रेनों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। पिछले 40 दिन से कोई भी पैसेंजर ट्रेन भारत में नहीं चलाई गई थी। हालांकि सही भी है, अगर कोरोना से बचना है तो हमें इन सभी चीजों को बंद करना भी पड़ेगा, और इसी के चलते लॉकडाउन के तीसरे फेज में भी ट्रेनों को बंद करना ही सही माना गया। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया जिसमें बताया गया कि कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं और उन्हें वहां से उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, तीर्थयात्री और पर्यटकों को उनके राज्य पहुंचाया जाएगा इन स्पेशल ट्रेनों के द्वारा। लेकिन कौन इन ट्रेनों में जाएगा यह पूरा निर्भर करता है वहां की राज्य सरकार पर। राज्य सरकार पूरी एक सूची रेलवे विभाग को भेजेगी और रेलवे विभाग उन लोगों को दूसरे राज्य भेजेगा। ट्रेन चलाने से पहले दोनों राज्यों की सहमति इसमें जरूरी है। जब तक दोनों राज्यों की सहमति नहीं आती है, रेलवे कोई भी ट्रेन उन राज्यों के बीच में नहीं चलाएगा। आपको बता दें, एक स्टेशन से जब दूसरे स्टेशन जाएगी ये ट्रेन, उस बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेगी। इसी के चलते फैसले के पहले दिन ही 6 ट्रेनों को चलाने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है और 6 ट्रेनों को चला भी दिया है। तेलंगाना से रांची पहुंची पहली ट्रेन, और जिसमें एक कोच में 72 लोगों की जगह होती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सिर्फ 56 लोगों को उस ट्रेन के डिब्बे में बैठाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा जा रहा है सभी के बीच, और इसमें एक चीज स्पेशल ये भी है कि ट्रेन में बैठने से पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जो भी कोरोना से संक्रमित नहीं है उन सभी लोगों को दूसरे राज्य भेजा जाएगा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उन सभी लोगों को उनके घर पहुंचाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं वो 6 ट्रेन जो चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन मैंने आपको बताया जो तेलंगाना से चलेगी और रांची झारखंड पहुंची, वहीं दूसरी ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक से यूपी के लखनऊ, महाराष्ट्र के नासिक से एक और ट्रेन भोपाल मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी, राजस्थान के जयपुर से पटना बिहार पहुंचेगी, राजस्थान के कोटा से रांची झारखंड पहुंचेगी और केरल के अलुवा से उड़ीसा के भुवनेश्वर ट्रेन पहुंचेगी। ये ट्रेनें हैं जो पहले ही दिन इन्हें अनुमति मिल गई थी जाने की। ये स्पेशल ट्रेन है, इनके लिए कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। जिन जिन लोगों को राज्य सरकार अनुमति देगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को इन ट्रेनों में बैठाया जाएगा और इन्हें गृह राज्य पहुंचाया जाएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज मीडिया 47, मैं हूं आपके साथ सागर जैन आमोल, हिंदी की बात हिंदी में।